हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस वैकेंसी 2022-23 से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम डेट के बारे में और बीएड वालों के बारे में और सीटेट अपेयरिंग वाले स्टूडेंट के बारे में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वन बाय वन जो भी आपके डाउट हैं वो हम सब क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लें बीएड वाले स्टूडेंट। तो जो भी बीएड वाले स्टूडेंट हैं तो इस बार वो पेपर फर्स्ट में ये इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था तो उसमें बीएड वालों को वैलिड माना गया है कि वो जो बीएड वाले हैं प्राइमरी टीचर की वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका जो फैसला आएगा वो आएगा आपका 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को जो कोर्ट का जो आदेश आएगा उस पर ही निर्भर करता है। अब हो सकता है कि 14 दिसंबर को इसका फाइनल डिसीजन आ जाए, और हो भी सकता है कि 14 दिसंबर को कोर्ट एक नई डेट दे दे। तो फिलहाल अकॉर्डिंग टू जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अनुसार तो आपको बीएड वालों को अभी तक वैलिड माना गया है। तो जितना मेरा मानना है कि आपको जो बीएड वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो प्राइमरी टीचर में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि बीएड कैंडिडेट को अप्लाई इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका जो निर्णय आएगा असली जो फाइनल डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार होगा। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश लगभग 14 दिसंबर को आना तय है, तो इस दिन आपको पता चल जाएगा कि आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो नहीं कर सकते। फिलहाल तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर ही सकते हो, लेकिन फाइनल डिसीजन भी मेरा मानो तो आपके पक्ष में ही जाएगा। तो आप बात कर लेते हैं सेकंड जो आपका डाउट है, तो आप बात कर लेते हैं कि सीटेट अपेयरिंग वैलिड आर नॉट। तो सीटेट अपेयरिंग वाले जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2022-23 में जब सीटेट का फॉर्म फिल किया है और उनका एग्ज़ाम अभी होने वाला है, तो वो केवीएस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो इसका पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ कि जो नोटिफिकेशन में क्या आया था इनका। तो इनका यदि आप नोटिफिकेशन रीड करोगे तो इसका जो 5th पॉइंट है जो टीजीटी की वैकेंसी में आ रखा था, तो इन केस ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पोस्ट ऑफ टीजीटी, तो आपको जो सीटेट जो इसमें पेपर 2 मांगते हैं तो वो तभी इसमें वैलिड माना जाएगा जब आपका जो सीटेट का जो रिजल्ट है लास्ट डेट तक आ गया हो। तो इसका मतलब जो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का कहना ये है कि लास्ट डेट तक आपका सीटेट पेपर 2 का जो रिजल्ट है वो आना अनिवार्य है, और उसी प्रकार जो सीटेट फर्स्ट का वो रिजल्ट भी पेपर जो प्राइमरी टीचर के लिए जो भी वैकेंसी में जो भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो उसमें भी पेपर फर्स्ट के लिए लास्ट डेट का आपका रिजल्ट आना अनिवार्य है। तो इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी तक ट्वीट भी कर चुके हैं, तो इसका फाइनल निर्णय अभी तक नहीं आया है। तो फिलहाल मैं मानूँ तो आपका जो है सीटेट जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट है वो इस टाइम पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो इससे पहले जब वैकेंसी आई थी 2018 में, तो उस टाइम पर इन्होंने वैलिड इसलिए माना था क्योंकि उससे पहले 2016 के सितंबर में आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता, उसके बाद 2 साल मतलब 2017 और 2018 में एग्ज़ाम नहीं होता, फिर 2018 के दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का। तो उस कारणवश उन्होंने उस टाइम पर केवीएस के फॉर्म में सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका दिया था। लेकिन इस बार भी आपका जो सीटेट हो रहा है एक ही टाइम पर हो रहा है, तो क्योंकि पहले 2 बार एक साल में 2 बार पेपर होते थे, तो लेकिन इस बार भी अभी दिसंबर से दिसंबर आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो इस वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारा जो भी कैंडिडेट सीटेट अपेयरिंग वाले हैं तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो यही था इसमें। तो फिलहाल तो अभी तक इसकी कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। तो फिलहाल आप बात कर लेते हैं जो आपका नेक्स्ट डाउट है एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड। तो दोस्तों, आप एग्ज़ाम डेट के बारे में हम बात करेंगे। तो एग्ज़ाम डेट जो केवीएस की जितनी भी वैकेंसी आती हैं तो वो अपना एग्ज़ाम लगभग 6 मंथ के अंदर अंदर करा लेती है। तो अभी आपका जो एग्ज़ाम होना जो माना जा रहा है वो अप्रैल मंथ से स्टार्ट हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम होना। तो अप्रैल मंथ से आपका एग्ज़ाम होना तय है। तो अभी इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब भी आता है आपके एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड तो हम आपको बता देंगे। तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना,
बेल आइकन दबाने से ये होगा कि आपको जैसे ही हमारी कोई भी न्यू वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत हेल्प मिली होगी। और भी कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप और चैनल का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उस पर हम डिस्कस कर लेंगे आपके सारे डाउट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।